G20 से पहले विदेशी मेहमानों की लिस्ट में एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। खबर है कि रूस और चीन के बाद एक और देश ऐसा है जिसका राष्ट्रपति भारत के G20 सम्मेलन में नहीं आ रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बाद अब स्पेन के राष्ट्रपति भारत नहीं आएंगे। स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांच ने एक ट्वीट में कहा कि उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है और वो नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने नहीं आएंगे। स्पेन के राष्ट्रपति ने बताया कि वो COVID-19 से संक्रमित है, जिसके कारण वो भारत नहीं आ पाएंगे। सांच ने ट्विटर पर कहा कि वो ठीक महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो भारत की यात्रा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि नेताओं के शिखर सम्मेलन में स्पेन का प्रतिनिधित्व कार्यवाहक प्रथम उपराष्ट्रपति नादिया कैल्विनो और विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्ब्रेस करेंगे। सांच ने बताया कि मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है और मैं G20 शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली की यात्रा नहीं कर पाऊंगा, मुझे ठीक लग रहा है। स्पेन का प्रतिनिधित्व प्रथम उपराष्ट्रपति और आर्थिक मामलों के मंत्री और विदेश मामलों यूरोपीय संघ और सहयोग मंत्री द्वारा किया जाएगा। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत आने को लेकर संशय बना हुआ था। दरअसल राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी और अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन भी कोरोना से संक्रमित थी, जिसके बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन के भारत दौरे पर तलवार लटकी। हालांकि बाद में जब उनका टेस्ट हुआ तो वो नेगेटिव पाए गए और अब बाइडेन भारत आ रहे हैं। हालांकि जिल बाइडेन भी अपने हालिया टेस्ट में नेगेटिव पाई गई, लेकिन वो अब G20 सम्मेलन के लिए भारत नहीं आ पा रही। अब G20 शिखर सम्मेलन की मेहमानों की सूची में अपडेट आया है। स्पेन, रूस और चीन के राष्ट्रपति इस लिस्ट में शामिल नहीं होंगे। बता दें, नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में बाइडेन समेत विश्व के करीब 2 दर्जन नेता भाग लेने वाले हैं, जिसकी मेजबानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया कि वो भारत नहीं आएंगे। रूसी राष्ट्रपति की जगह विदेश मंत्री सरगई लावरोव भारत आएंगे। और फिर इस ऐलान के बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी भारत आने से मना कर दिया। अब चीन के राष्ट्रपति की जगह चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग G20 में अपने देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।